11 सितंबर को गंज बासोदा के मानव भवन में राष्ट्रीय बाल आयोग की बेंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुनगो बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे एवं शिविर में निराकरण कराया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर महिला बाल विकास के अधिकारियों ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की, किंतु विभाग के अधिकारी पत्रकारों के सवालों के सामने गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। महिला एवं बाल विकास विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में अधिकारी बोलने से बचते ही नजर आए। महिला एवं बाल विकास विभाग में अब तक क्या कार्रवाई हुई, उस पर भी अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी भरत सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, किंतु पत्रकारों के सवालों से बचते हुए नजर आए। अब देखना है कि बाल आयोग की बेंच में कितनी प्रभावशाली कार्रवाई होती है। गंज बासोदा से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। गंज बासोदा आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है, आकांक्षी ब्लॉक है प्रदेश के जो ब्लॉक कुछ विकास खंडों को हर जिले हर प्रदेश में आकांक्षी ब्लॉक बनाया गया है, इसलिए आकांक्षी ब्लॉकों में ये माननीय आयोग द्वारा बेंच लगाई जा रही है इस प्रकार की समस्याओं के लिए। दूसरा सवाल सर, कि आयोग के पास क्या कोई ऐसा बजट नहीं है जैसे बच्चों में जो नशा की प्रवृत्ति है, कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र खोले कि उनको वहाँ पर लाभ मिल सके? आयोग अपना नियमित रूप से एक संवैधानिक आयोग है, आयोग अपना काम करता है। अब ये जो है इसमें भी वो आयोग जो है संबंधित विभागों को निर्देश जारी करता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। बच्चों की किस तरीके से समस्याएं आप जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इनके प्रबंधन के लिए हम आंगनबाड़ी केंद्र पर और एनआरसी में इनके लिए काम करें। सर आपके पास एनआरसी?